नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोनाली का टाइगर DI-26 मिनी ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, जो ट्रैक्टर 26 हॉर्स पावर का एक मिनी ट्रैक्टर है जो कि इतने बढ़िया तरीके से सोनालिका कंपनी ने डिजाइन करा है। आप अगर इस ट्रैक्टर को देखेंगे तो आपको देखते से काफी बढ़िया और काफी प्यारा ट्रैक्टर लगता है। और जितना अच्छा ट्रैक्टर दिखने में है उतना ही अच्छा ट्रैक्टर चलने में भी है, क्योंकि सोनालिका कंपनी ने इस ट्रैक्टर में बहुत ही अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करा है। इस ट्रैक्टर में आपको काफी बढ़िया गियर मिल जाते हैं, काफी अच्छे इंजन इसमें आपको मिल जाता है और आगे से लेकर पीछे तक इस ट्रैक्टर को काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 26 हॉर्स पावर का मिनी ट्रैक्टर चाहिए, अगर आप विनयार्ड वगैरह का काम करते हैं, अगर आप बागवानी वगैरह की खेती करते हैं, अगर आपको गन्ने के खेत वगैरह में मिनी ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज्यादा रहता है तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। ये जो ट्रैक्टर आपको केवल और केवल 4-wheel ड्राइव वेरियंट वाला मिलता है, इसमें आपको 2-wheel ड्राइव वेरियंट नहीं मिलता है, केवल कंपनी जो 4-wheel ड्राइव वेरियंट बनाती है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। शुरुआत करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत से। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 5 लाख से लेकर 5.5 लाख के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि मिनी ट्रैक्टरों की आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, इस वजह से कीमत जो कम ज्यादा होती रहती है। तो मैं जो कीमत आपको बता रहा हूँ इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा तकरीबन इस प्राइस रेंज में आपको जो है ट्रैक्टर पड़ेगा। वैसे भी ये जो ट्रैक्टर केवल और केवल 4-wheel ड्राइव वेरियंट के साथ आपको मिलता है, इसमें आपको 2-wheel ड्राइव वेरियंट वाला ट्रैक्टर नहीं मिलता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया जो ट्रैक्टर 26 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन करा गया है, एवरेज जो इंजन काफी बढ़िया देता है और काफी हैवी ड्यूटी पिस्टन जो इस ट्रैक्टर में यूज करे गए। 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से ये जो ट्रैक्टर काफी अच्छा टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के मैक्सिमम टॉर्क के बारे में तो वो तकरीबन 81 न्यूटन मीटर का। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के मैक्सिमम टॉर्क के बारे में तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 81 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 1318 cc की पावर जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के इंजन के RPM के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2700 RPM जनरेट करता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के इंजन के एयर फिल्टर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कूलेंट कूल वाला इंजन देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा कूलिंग सिस्टम जो इस ट्रैक्टर के इंजन में दिया गया है। अगर आप इस ट्रैक्टर को ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर का दिया गया है और एकदम नए जमाने की तकनीक के साथ इस ट्रैक्टर जो इंजन डिजाइन करा गया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल केवल सिंगल क्लच मिलती है। एक 26 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बड़ी क्लच जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको स्लाइडिंग मैश वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको साइड शिफ्ट वाला ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको ज्यादा गियर चाहिए तो आप साइड शिफ्ट वाला ट्रांसमिशन के साथ इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा गियर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप स्लाइडिंग मैश वाले गियर बॉक्स के साथ इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के गियर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप साइड शिफ्ट वाला ट्रांसमिशन लेते हैं इसमें तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड गियर और 4 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखें मिनी ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया गियर का ऑप्शन जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर के ब्रेक्स के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको मल्टी डिस्क ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। तेल में डूबे जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं काफी ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, काफी लो मेंटेनेंस माने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो तकरीबन 600 किलोग्राम, काफी बड़ी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल केवल पावर स्टीयरिंग ही मिलेगा, इसमें आपको मैनुअल स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर एक 4-wheel ड्राइव वेरिएंट वाला है तो इसमें आपको केवल केवल पावर स्टीयरिंग दिया जाता है। और अगर हम बात करें ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में तो काफी बढ़िया काफी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की फील्डिंग की कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 24 लीटर की फील्डिंग की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है जो कि सफिशियंट है। एक मिनी ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया फील्डिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है, एवरेज जो इस ट्रैक्टर काफी बढ़िया है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के पीटो के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटो के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6-plane शाफ्ट वाला पीटो टाइप देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटो के RPM के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 540 RPM जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर पीटो में आपको इकोनॉमी पीटो भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटो के हॉर्स पावर के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 22 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है, काफी अच्छा हॉर्स पावर जो इस ट्रैक्टर पीटो जनरेट करता है। आप इस ट्रैक्टर के पीटो की मदद से छोटे साइज के रोटावेटर, दवाई छिड़कने वाली स्प्रे मशीन और बाकी द इम्प्लीमेंट जो कि पीटो की मदद से चलते हैं वो आप काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 8.3x20 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। एक मिनी ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है काफी अच्छा टॉर्क भी जनरेट करता है और साथ ही साथ एवरेज भी काफी बढ़िया देता है, काफी अच्छा ट्रैक्टर जो काम निकालता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है जो कि काफी बढ़िया है।
फिलहाल ये जो मिनी ट्रैक्टर काफी लो मेंटेनेंस माना जाता है और सोनाली की कंपनी जो काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है और इनके ट्रैक्टर्स के पार्ट्स वगैरह भी काफी आसानी से मिल जाते हैं। तो किसान भाई, आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आपको ये ट्रैक्टर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? फिलहाल अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 26 हॉर्सपावर का मिनी ट्रैक्टर चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में दिखने में और चलने में सभी चीजों में काफी बढ़िया हो, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल सा भी ट्रैक्टर चल सकता है, तो सोनाली की कंपनी जो 26 हॉर्सपावर का गार्डन ट्रैक ट्रैक्टर बनाती है, वो भी एक मिनी ट्रैक्टर है, वो आपको कम बजट में मिल जाएगा। उसमें फिलहाल आपको इतना बढ़िया लुक नहीं मिलेगा और इस ट्रैक्टर की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको उस ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आपका बजट कम है तो वो ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है, आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्टर चाहिए, तो ये आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। इस ट्रैक्टर में आपको काफी बढ़िया गियर देखने को मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर जो इंजन है काफी बड़ी तरीके से डिजाइन करा गया है। साइज भी इस ट्रैक्टर का काफी कॉम्पैक्ट रखा गया है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी बढ़िया है इस ट्रैक्टर का। तो किसान भाई, मेरे हिसाब से ये जो मिनी ट्रैक्टर काफी बढ़िया है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस ट्रैक्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई, इतनी जानकारी सोनालिका के टाइगर DI 26 मिनी ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसान भाई, हमने सोनालिका के बाकी ट्रैक्टर्स पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाकर जरूर देखिएगा। बाकी मिनी ट्रैक्टर्स पर भी हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। तो फिलहाल किसान भाई, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।